नमस्कार दोस्तों, आप सभी को टेक्नोजैन इन्फोकॉम की और एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करेंगे जोकर मैलवेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जोकर मैलवेयर नाम सुना हुआ है, लेकिन ये चीज़ अभी नए तरीके से नया जो बोलते हैं मॉडर्न मैलवेयर बन गया है और ये आपके फ़ोन को इफ़ेक्ट कर रहा है, एंड्रॉयड यूज़र को इफ़ेक्ट कर रहा है। ये जो जोकर मैलवेयर है ये पाया गया है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा जोकर मैलवेयर के बारे में, लेकिन एक चीज़ उसके पहले बता दूं, अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र है, आपको मालूम है एंड्रॉयड जो है ओपन सोर्स है। एंड्रॉयड का जो कोडिंग होता है वो ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी एंड्रॉयड का कोडिंग कर सकता है। उसके बाद कोई भी कोडिंग करके अपना ऐप्स जो है डेवलप कर सकता है, और ऐप्स डेवलप करने के बाद उस ऐप्स को बेच सकता है गूगल प्ले स्टोर के द्वारा या फिर दूसरा जो भी ऐप स्टोर है उनसे बेच सकता है। और हम लोग क्या करते हैं, जो एंड्रॉयड यूज़र है उन ऐप्स को काम पे लेते हैं उन प्ले स्टोर से, उन स्टोर से डाउनलोड करने में। ज़्यादातर फ़ोन पे 100% फ़ोन पे आपको जो ऐप स्टोर मिलती है वो है गूगल का प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर दिन ब दिन जितना दिन एंड्रॉयड का एज बढ़ रहा है और गूगल प्ले स्टोर के ऊपर ऐसा जो ऐप्स है उनका जो छुपाया हुआ चोरी करते हुआ या फिर उनका जो इफेक्ट है वो सामने आया है दिन बे दिन। तो यहीं पे और एक जो मैलवेयर है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर सामने आया है, वो उसका नाम है जोकर मैलवेयर ऑन गूगल प्ले स्टोर। ये जो जोकर मैलवेयर है इस जो मैलवेयर है ये बहुत सारे ऐप्स के अंदर पाया गया है, और यहीं पे जो ऐप्स है वो लगभग 472,000 तक इसे डाउनलोड किया गया है। 400,000 बार डाउनलोड किया गया है इन सारे ऐप्स को। सोचिए, ये 472,000 यूज़र जो है अभी इन जो ये जो वायरस है ये अफेक्ट किया है, इस वायरस से अफेक्टेड है। ये वायरस करता क्या है? जोकर मैलवेयर छुपा रुस्तम है। आप अगर इन सारे एक लिस्ट है मैं आपको बताऊंगा, वो लिस्ट क्या करता है वो पहले बताता हूँ। जोकर मैलवेयर जो है ये जो ऐप्स है इस ऐप्स के द्वारा आपके फ़ोन पे आता है। उसके बाद मान लीजिए आप किसी साइट में शॉपिंग कर रहे हैं, ओके, वहीं पे अपना जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है उससे आप शॉपिंग करेंगे, तो वहीं पे जो OTP आता है बैंक के द्वारा, ये जो जोकर मैलवेयर है उस OTP को कॉपी करता है और खुद ब खुद उस OTP को उन जो साइट में आप शॉपिंग कर रहे हैं वहीं पे डाल देते हैं, या फिर खुद का जो साइट है वहीं पे डाल देते हैं। ऐसे पे आपके बैंक अकाउंट से पैसे वो लोग गायब कर रहे हैं। आपको OTP डालने के बाद पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके पहले वो लोग पैसे ले चुके होंगे। ऐसे काम करते हैं जोकर मैलवेयर, मतलब OTP को कॉपी करके अपने वेबसाइट पे डाल रहा है। अब बोलिए कैसे बचेंगे आप? फ़ोन पे जो एंड्रॉयड फ़ोन आप यूज़ करते हैं वहीं पे आप काम पे लेते हैं, ऑनलाइन मोबाइल रिचार्जिंग, DTH रिचार्जिंग, ब्रॉडबैंड बिल पे या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे को ज़रूर काम पे लेते होंगे। इसके अलावा और भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग हो, ऑनलाइन किसी को पैसा भेजना हो करते हैं आप, IMPS भीम का आप ये को काम पे लेते हैं, भीम सर्विस को काम पे लेते हैं। जहाँ जहाँ OTP ज़रूरत होता है आपके OTP आपके बैंक के द्वारा आपके मोबाइल पे SMS के द्वारा भेजा जाता है, और वही OTP आप डालते हैं, फिर जाके अमाउंट जो है वो जो ट्रांजेक्शन है वो कम्प्लीट होता है। आपको डालने से पहले उस OTP को वो जो ऐप्स है वो कॉपी कर लेता है और भेज देते हैं अपने सर्वर में, और वहीं बैठे चोरी करने वाले वहीं बैठे जो हैकर होता है वो उस OTP को काम पे लेते हैं दूसरे कोई वेबसाइट में उसे ऑथोराइज करने में या फिर सेम वेबसाइट में ऑथोराइज करने में, और आपके पैसा जहां जाना था, जहां पेमेंट होना था वो कैंसिल हो जाता है, और उनका जो जहाँ पे OTP पहले जाएगा, पहला पेमेंट होगा वहीं पे एक्टिवेट काम करेगा, वहीं पे उसका जो पेमेंट गेटवे एक्टिव रहेगा, तो वहीं पे वो लोग काम कर लेते।
ऐसे 4,72,000 जो डाउनलोड हुआ है, ऐसे जो यूज़र है अभी भी इन ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं, 4,72,000 यूज़र जो है अभी इन ऐप्स को यूज़ कर रहा है, डाउनलोड हुआ है, यूज़ नहीं कर रहा है, डाउनलोड हुआ है, इनसे इनमें से कौन कौन सा यूज़र, इनमें से कौन कितने यूज़र इस ऐप्स को, इन सारे ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं, उनका अभी भी खतरा है। तो यहीं पे कौन कौन सा ऐप्स है, इन जो ऐप्स का लिस्ट है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हूँ, आप जाके उन ऐप्स को देखिए, उन लिस्ट को देखिए और देखिए अपने जो ऐप्स है, अपना जो फ़ोन है वहीं पे ये सारे ऐप्स इंस्टॉल तो नहीं है। सबसे पहला एडवोकेट वॉलपेपर, देन फेस एज, देन अल्टर एसएमएस, देन एंटीवायरस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी स्कैन, देन बीच कैमरा, बोट पिक्चर एडिटिंग, सर्टेन वॉलपेपर, क्लाइमेट एसएमएस, देन कोलेट फेस स्कैनर, क्यूट कैमरा, डैजल वॉलपेपर, डिक्लेयर मैसेज, ग्रेट वीपीएन, वीपीएन को काम पे लेते हैं, खतरा है उनमें, ग्रेट वीपीएन जो नाम है वहीं पे आपको जोकर मेलवेयर देखने को मिली है। इसके अलावा ह्यूमर कैमरा, इग्नाइट कैमरा, लीफ फेस स्कैनर, मिनी कैमरा, प्रिंट प्लांट स्कैन, रैपिड फेस स्कैनर, रिवॉर्ड क्लीन, रूडी एसएमएस, सॉबी कैमरा, स्पार्क वॉलपेपर, ये सारे, इन सारे जो ऐप्स है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे पूरा लिस्ट दिया है और मैंने बताया इन सारे ऐप्स में जोकर मैलवेयर पाया गया है और ऐसे जो ऐप्स है आपको बर्बाद करने वाला है। तो बचे रहिए ऐसे ऐप से, ज़्यादातर ऐप्स मत यूज़ कीजिए, ज़्यादा एडिटिंग ना यूज़ करें, ज़्यादातर आपको यही भी एडिटिंग ऐप्स मिलेगी और एसएमएस ऐप्स मिलेगी, ऐसे जो ऐप से बचे रहिए। और कैमरा ऐप, फ़ोन का जो बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा है उसे यूज़ कीजिए, दूसरा जो भी कैमरा मत डाउनलोड करना। एंड्रॉयड जो है मैंने बताया ओपन सोर्स है, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो बचे रहिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाया, नीचे डिस्क्रिप्शन पे पूरा डिटेल्स है, जो ऐप्स इफेक्टेड है उसका लिस्ट है, जाइए देखिए और चेक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बी हेल्दी बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।